बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। डेली रूटीन में आज हम जो है अपनी शॉपिंग के लिए निकले हैं, विंटर शॉपिंग के लिए हम आए हैं। अपने करीबी हमारी मार्केट है इचरा बाज़ार, आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मार्केट है। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांडेड सूट ही पहने, ये दूसरे सूट भी काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हमारी पठान मार्केट है, यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी मिलती है। अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, देखिए विंटर कलेक्शन के अंदर जो है, अभी शुरू तो नहीं हुई, खैर होने वाली है, तो इसके अंदर जो है कि आपको पता है कि लोगों का रश काफ़ी एकदम से बढ़ जाता है, तो इसमें यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब अपनी विंटर की तैयारी शुरू करेंगे। तो हम आए हैं मार्केट में, हमें कुछ प्रिंट्स वगैरह चाहिए थे, तो हम देख रहे हैं, निकलवा रहे हैं। आप लोगों को भी बताइएगा कि आपको कौन कौन से प्रिंट कैसे लगे। काफ़ी ज़बरदस्त प्रिंट्स हैं, इनसे हम कपड़ा लेते रहते हैं, इनका कपड़ा बड़ा ज़बरदस्त होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके कपड़े के कलर बड़े बक्के होते हैं और कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ से कपड़ा लेके तैयार भी हम चूज़ कर रहे हैं कराची के कौन कौन से सिटीज़ से हमारा क्या करना है। काफ़ी अच्छी वैरायटी आई है, कलर तो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट होता है, मोस्टली आप देख सकते हैं। एक तो कलर्स की चॉइस कॉम्बिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ब्लैक भी हमें अच्छा लगा। ब्लैक तो ऑलमोस्ट सबको बहुत फेवरेट है, मेरा तो है ही फेवरेट कलर, मुझे ब्लैक बहुत पसंद, लवली ब्लैक, और नेवी भी बड़ा प्यारा कलर है, ये कलर में बड़ा अच्छा लगा था। ये सबसे पहले हमें सूट निकलवाया था, हमें बहुत ही ज़बरदस्त भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं ज़्यादा नहीं क्या, एक दो हमने ये वाला तो कर लिया, अब दो सारे दो तो नहीं करेंगे ना, अभी हम और भी निकलवा रहे हैं, देख रहे हैं क्या पसंद आता है, क्या करते हैं। ग्रे भी अच्छा लग रहा था हमें, लेकिन वो थोड़ा दूसरा उसमें चला जाता है। आप भी बताएं आपको कौन कौन से कलर्स अच्छे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताया करें आप और क्या देखना चाहते हैं। अभी जितनी भी हम शॉपिंग कर रहे हैं, अभी स्टिचिंग हो जाएंगे, हम वो भी आपको स्टिच करके सारे ड्रेसेस दिखाएँगे, फिर उसमें भी मुझे आप बताइएगा आपको मेरी कैसी लग रही है। हर आने वाली वीडियो में प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। मुझे ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था कलर, एक्चुअली उनकी मदर के लिए भी लेना था, तो भी हम जाहिर है उनके हिसाब से जो है ना देख लेते हैं। ये ब्राउन लग रहा है कलर, वर्चुअल सा काफ़ी खूबसूरत है, ये तो कलर कॉम्बिनेशन और इनकी चॉइस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये कलर भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, ये भी हमने निकलवा के देखा था, इसके साथ भी हमने शलवार की जो उसकी मैचिंग थी वो बड़ी खूबसूरत लगती है। बस ये दो असल में तीन हो ही तकरीबन मिलते जुलते लग रहे थे, तो कन्फ्यूजन काफ़ी हो रही थी कौन सा करें कौन सा ना करें, समझ नहीं आ रही थी। आप ही कमेंट में बताएं कौन सा सही लग रहा है इसमें। हाँ ये अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आपको पता है विंटर के लिए तो हमें थोड़े से डार्क कलेक्शन लेनी चाहिए, ताकि इसमें जो है ना ज़रा जैसे गर्मियों की कलेक्शन होती है इसी तरह विंटर की कलेक्शन होती है। गर्मियों में लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं और विंटर में जो है डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। ये भी बस ठीक है, इतना मज़ेदार नहीं था इसलिए इसको बस देख के छोड़ दिया हम लोगों ने, नहीं लिया इसको हमने, हो सकता है भी आप लोगों को भी अच्छा लगे। जो हमारे साथ खातून थी वो काफ़ी लाइट कलर्स निकलवाई थी, हर बंदा अपने कलर चॉइस के हिसाब से निकलवाता है। हमें और भी काफ़ी सारे कलर्स पसंद आ रहे थे, ये बड़ा प्यारा था रोज़ेस में, ब्लैक रोज़ेस में ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये लास्ट दो तीन साल पहले आया था पश्मीना के सूट के, हमें उस तरह का लगता, हालांकि ये पश्मीना है नहीं,
ये था, कोई बहुत अच्छा उसने बताया था क्योंकि वो वाला स्टफ है, लेकिन देखने में जो था ना पश्मीना की तरह लग रहा था हमें, ये बड़ा बहुत अच्छा लगता है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था फ्रेंड। तो माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे थे इनके पास, अब सारे तो नहीं लिए जा सकते थे ना, लेकिन जो हमें अच्छे लगते थे हमने वही ले लेते ना, ऐसा ही है ना, बताइएगा मुझे। हाँ ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था। हमने फिर वो जो सबसे पहले ब्लैक हमने मेहंदी रंग में निकलवाया था ना, वो हमने कैंसिल करके हमने ये ले लिया था, इसकी वजह से अपनी लुक आ रही है। वैसे मुझे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत था। एक हमने ये लिया था, ये बड़ा औसम लग रहा था। मुझे लाइट एंड डार्क की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी लगती है। आपको नहीं दिखाएंगे वो, हम आपको स्टिच करके दिखाएंगे जब हमारे कपड़े स्टिच हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। एक ये फैंसी सूट था जो आपको पता है लबे शुरू होने वाला था, उसके मिलाद की तैयारी के लिए हम लोगों ने ही दिया था, उसकी शलवार रह गई थी, अब हम उसकी एक्सेसरीज देंगे। ये हमारी एक थी रेडीमेड शर्ट ली थी हमने, उसके साथ हमारे पास ट्राउज़र नहीं था, उसका ट्राउज़र बाय किया था हमने। एक हमारे पास शर्ट थी उसके साथ, यानी दो शर्ट थी, हमने उनके ट्राउज़र्स लेने थे, वो हमने ट्राउजर्स लिए थे। ये बड़ा खूबसूरत फ्रेंड था, तो इनकी मैचिंग करना ना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल लगता है मुझे कपड़ों की मैचिंग करना, आप बताएं। अब हम इनकी जो है एक्सेसरीज की तरफ आ गए, इनके साथ की मैचिंग ड्रेसेस पाइपिंग बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है। यहाँ पे हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी, फैंसी भी कैजुअल भी, हर तरह की आपको। हम तो सारी जितनी भी ड्रेसेस वगैरह पाइपिंग्स वगैरह हैं, हम ज़्यादातर घूमते नहीं हैं, हमारी आदत नहीं है घूमने की, हमने मखसूस शॉप्स रखी हुई हैं, हम वहीं से ही ना वो चीज़ें लेते हैं, वो घूमने की हमें आदत ही ना, हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम फिर फिर के फिलहाल फिलहाल चीज़ें लें, बस हमें मखसूस शॉप्स हैं हमारी। कपड़ों की भी इसी तरह ही है, लेसेस की भी इसी तरह ही है, ज्वेलरी की भी, हर चीज़ की हमने मखसूस रखी थी। ये अच्छी लग रही थी क्योंकि इसके नीचे नेवी ट्राउज़र लिया था हमने, तो हमने ऑफ वाइट ही हमें अच्छा लगा, तो हमने ऑफ वाइट ही लिया। आप बताएं कैसा लग रहा है। अब हम आ गए हैं ब्लैक सूट की तरफ, इसे हमने बहुत फैंसी नहीं करना, हमने नॉर्मल कैजुअल लेना, इसका डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो गया था, समझ नहीं आ रही क्या लें क्या ना लें, सब कुछ ही बहुत अच्छा लग रहा था। फिर एक तरफ और तो ज़्यादा हैवी ना हो जाए, क्योंकि हमने हैवी नहीं करना था, हमने नॉर्मल उसमें जो है ना लेना था। आप बताएं कौन सी चीज़ क्या अच्छी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी वैरायटी, इतनी वैरायटी, उफ तौबा, समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें, देख के देख रहे थे, चेक कर रहे थे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है ताकि हम वही, ये तो सभी खावतीन करती हैं कि क्या अच्छा लगे। अब ये बताएं पिंक अच्छा लग रहा है या ब्लैक अच्छा लग रहा है, या कि हम जो उसमें साथ गोल्डन लगाएंगे वो अच्छा लग रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसके साथ क्या अच्छा लग रहा था। क्या देखिए वैसे सच्ची बताऊँ ना, मुझे पिंक और गोल्डन दोनों ही बड़े प्यारे लग रहे थे। गेस करें हमें कौन सा लिया। अब हमने जो पाइपिंग वगैरह ली थी हमारे साथ ही ना उनकी शॉप के ऊपर ही वो लेसेस वगैरह जो है ना, यानी दुपट्टों पे वहीं पे लगवा देते हैं, आपके हाथ के हाथ जो है ना आपको मिल जाता है। चलें अब हम करते हैं अपनी वीडियो का अख्तितम, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।